हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट सदोस्त कुणाल कुमार बार बार आता रहूंगा और आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। आज हमारी बात हुई है SBI की मैडम से, रिकवरी एजेंसी से ही, उम्मीद जाहिर सी बात है। तो जी, हमारी इनसे बात हुई कि RBI क्या बोलता है। तो इनको RBI की गाइडलाइन फॉलो तो करना बहुत दूर की बात है, इनको ये नहीं पता कि RBI की गाइडलाइन एजेंसी के लिए या एजेंट के लिए क्या होती है, उसे कौन सी चीज़ें फॉलो करनी है कौन सी नहीं करनी, नहीं पता इनको। तो जी, हमने इनको बताई है कि ये डिटेल्स शेयर करनी होती है बोरोवर को, तो वो आप मुझे शेयर कर दो तो मैं आपका लोन दे देता हूँ। उसके बाद जी, ये मुझे ऐसा लगता है, अरे तू कौन होती है, तुझे क्या लगता है यार, मेरे को क्या अपनी बहन भी आएगी जो तुझे लगता है, तू मेरी टेंशन क्यों ले रही है, मैं अगर पेमेंट नहीं दे रहा मैं डिफॉल्ट कर रहा हूँ, डिफॉल्टर घोषित कर मुझे, जो लीगल प्रोसीजर होता है वो प्रोसेस कर, लेकिन जो भी कुछ होता नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ डराते धमकाते अब्यूज़ करते यही करते हैं। तो इनको हमने RBI की गाइडलाइन बताई है, आपको भी बताते हैं वो क्या होती है, और बाकी सुनिए इन मैडम को। ये है जी RBI की गाइडलाइन 24 अप्रैल 2008। ठीक है, RBI कोई कहेगा कहाँ लिखा है, तो जी RBI ये लिखा। ठीक है, अभी हम दिखाएंगे आपको इंगेजमेंट ऑफ रिकवरी एजेंट्स। बैंक शुड इन्फॉर्म द बोरोवर द डिटेल्स ऑफ रिकवरी एजेंसी फर्म कंपनीज विल फॉरवर्डिंग डिफॉल्ट केसेस टू द रिकवरी एजेंसी। इसका अगर हिंदी में मैं अर्थ निकालूं तो ये होता है कि जिस भी एजेंसी को केस वो देंगे कि आपको उस पर काम करना है, तो वो बोरोवर को शेयर करनी है वो डिटेल। कुछ कंपनी करती भी, मैं वो भी स्क्रीन शॉट लगाऊंगा। ठीक है, तो ये इनको पता ही नहीं है जी क्या होता है क्या नहीं होता। बाकी आप वीडियो में सुनिए, हमारी मज़ेदार बातें हुई हैं, और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप जिस व्यक्ति से प्रेरणा जी, हाँ जी बात कर लो। हेलो, बात कर लो। हेलो हेलो, हाँ मैडम बताइए। प्रेमनाथ यादव जी बात कर रहे हैं। हाँ बोल रहा हूँ। मैडम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। हेलो, आवाज ही नहीं आ रही समझ में, ब्रेक हो रही है आपकी वॉइस। हेलो हेलो, हाँ बोलो। सर मैं ये बोल रही थी, आपका पेमेंट आउटस्टैंडिंग चला था SBI बैंक का 1,19,000 रुपए का, पेमेंट क्यों नहीं करवा रहे हो सर आप? पेमेंट देंगे नहीं मैडम हम। कटक बैंक ने हमारे साथ इतनी बदतमीजी कर दी, इसके बाद भी देते हैं तो फिर बेकार है। अच्छा SBI, हाँ SBI ने कौन सी कसर छोड़ दी? अच्छा मतलब आप सब बैंकों का सोच के बैठे हो, सारे बैंक कॉल करेंगे तो आप यही बोलोगे? अगर 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 एजेंट अगर एजेंट RBI को जेब में रख के बात करेगा तो हम हाथ है ना जेब से बाहर निकाल के बात करेंगे। सर आप मुझे बताएंगे प्रॉब्लम क्या है तभी कोई सॉल्यूशन निकले। प्रॉब्लम ये है, आप है ना जितनी भी सुनो जितनी भी एजेंसी को केस ट्रांसफर किया गया है ना, उनके एड्रेस और मोबाइल नंबर मुझे दे दो और उनके नाम। ठीक है, मैं पेमेंट भर दूंगा। तो आपको नाम और नंबर से क्या मतलब? मैडम RBI बोलता है, ये RBI बोलता है कि बोरोवर के पास डिटेल होनी चाहिए, आप लोग देते ही नहीं हो। मेरे पास सारी डिटेल, आपको बताओ क्या जानना है, कार्ड नंबर जानना है आपका? मुझे कार्ड नंबर नहीं जानना, मुझे ये जानना है मेरा केस कौन से महीने में किस एजेंसी के पास गया था, उसका एड्रेस, उसका नाम, उसका मोबाइल। पर्सनल नहीं है मैडम, RBI बोलता है शेयर करने को। RBI नहीं बोलता। आप खोलो RBI का खोलो, मैं बताता हूँ कहाँ पे लिखा है। मैं वही तो कह रहा हूँ, आप खोलो RBI का, मैं बताता हूँ कहाँ पे लिखा है। आप बता रहा हूँ मैडम, खोल रहा हूँ, रुक जाओ डार्लिंग, रुक जाओ। ये है ना RBI की गाइडलाइन है, 24 अप्रैल 2008 को आई थी ये। ठीक है, उसमें दूसरे पैराग्राफ में इंगेजमेंट ऑफ रिकवरी एजेंट, इसमें दूसरे पैराग्राफ में सेकंड नंबर की लाइन लिखी हुई है, पढ़ लो आराम से। मैं पढ़ के बता दूं क्या लिखा है इसमें? नहीं आप मुझे बताइए, मैं भी। हाँ मैं पढ़ के बताता हूँ, इसमें लिखा है पढ़ के मत तू... बताओ मुझे, बताओ मैं खोल रही हूँ। हाँ खोलो, बताओ क्या लिखना है मुझे, क्या डालो? लिखो RBI गाइडलाइन
आरबीआई गाइडलाइन वो तो मुझे पता है ऑलरेडी। अच्छा मैडम उसमें खोलो ना, दिख जाएगा आपको पहले दिख पेज रहा है, पे ही आरबीआई गाइडलाइन फॉर रिकवरी, उसमें पहले पेज पे ही इंगेजमेंट ऑफ रिकवरी एजेंट में दूसरे पैराग्राफ और तीसरे में उसमें दोनों में लिखा है। ठीक आपका नंबर व्हाट्सएप पे है, मैं भेज देता हूँ। तो कुछ भी नहीं लिखा कर इसके अंदर, तो टू, क्या मैं पढ़ बता के रहे हो? बताता हूँ। टू इंश्योर ड्यू नोटिस द अप्रिशिएट ऑथराइजेशन, बैंक शुड इन्फॉर्म द बोरोवर द डिटेल्स ऑफ एजेंसी रिकवरी एजेंसी फर्म। ठीक है, इसमें ये भी लिखा है क्या क्या है, मैं वो भी पढ़ के बताता हूँ। बताइए। आप रिकवरी करते हो, आपको पता ही नहीं है ये। मैं रिकवरी करती नहीं हूँ, पहली बात तो आप जिस चीज की बात कर रहे हो, रिकवरी तो ये है ही नहीं। जो भी है आपका आपको फिर पता होना रिकवरी चाहिए ना, मेथोड बैंक कैसे से, चल रहा है सर? बैंक से जुड़े आप हुए हो मुझे आप। तो बताइए ना, आप क्या पढ़ रहे हो, मुझे क्या पहले पता आप क्या आवाज है कर ना, रहे हो। आवाज नीचे करके बात मैं करो नीचे मैडम। ये बात करके बात कर रही हूँ सर, हाँ मैंने कोई बदतमीजी नहीं, नहीं की है आपसे, ठीक बदतमीजी क्या, है? आप तेज आवाज में कैसे बात कर रहे हो मेरे से। तो आप पैसा नहीं भरोगे तो क्यों नहीं बात करोगे आपसे? मैं क्यों पैसा नहीं भरूंगा, नहीं भरोगे? नहीं रीजन बताइए भरूंगा, ना, क्यों रीजन बता तो भरोगे दिया ना सर? आरबीआई की गाइडलाइन आप मुझे समझा रहे हो, मुझे आप। लगता है आपको टेंशन ही पड़ती है कि आप इसका मुझे पेमेंट क्यों एजेंसी का नाम, कटेगा। एजेंसी का नाम आपने, उस, मुझे लगता है सर, ढंग से आरबीआई की अरे लीगल जांच करी ही तुम्हें नहीं मेरे है। से क्या अपनी बहन अब बयानी लेना है, भी तो है तुम्हें ना, मेरे से अपनी बहन बयानी है जो तुम्हें क्या मुझे लगता पैसा है। देना है आपको, नहीं, पैसा अपनी बहन देना बयानी है है क्या, मुझे क्या लगता है। मुझे, क्यों बयानी होगी हाँ सर? फिर बात अपनी आप रिकवरी की आरबीआई करो की बात ना, कीजिए, आरबीआई आप की अपनी लड़की रिकवरी है की आप बात करो, कीजिए, मुझे क्या आप लगता है वो आरबीआई की छोड़ो। बात कीजिए, हाँ बैंक की बात मैं कीजिए, शादीशुदा आप हूँ, मैं कीजिए तुम्हारी ठीक बहन है से सर? शादी नहीं करूंगा। आप प्रोफेशनल बात कीजिए हाँ ना, मैं ये प्रोफेशनल, बात आप कर रही कैसे हूँ बात कर सर, रहे हो, ये मैं क्या रिकॉर्डिंग लगता हो है रही क्या है नहीं, सर इसका। रिकॉर्डिंग हो अच्छा रही और है। क्या करोगे, अब एक गाली और दे दो, कोई एक गाली, दिक्कत अब नहीं है। तो हाँ तेज आप बोले बस जा रही है, तो मेरे को और समझा क्या रही नहीं है। है सर, पैसा तो आपने दिया नहीं है, तो बस आप मुझे उल्टा बोल रहे हो सर, पैसा पैसा मैं नहीं दूंगा। आपने नहीं दिया आप है तो ना, फिर मुझे मैं क्यों आरबीआई की रिकॉर्डिंग गा सर? हाँ अच्छा आरबीआई की हाँ गाइडलाइन आपको ये सब बोलने के लिए बोल रहा है? हाँ खाली देती बैठ के है गालियां दो, लड़कियां कॉल कर रही अपनी हो। अपनी हुआ है। अच्छा अब ठीक है आरबीआई, अभी तो आप आरबीआई की गाइडलाइन की बात कर बहन, रहे थे, तब तेरे समझ ही नहीं अभी आ तो आप रहा, आरबीआई की गाइडलाइन की बात कर रहे थे, और अब आप इतनी बदतमीजी तेरे बोल रहे समझ हो ही नहीं आ सर? रहा, तेरे समझ ही नहीं आ रहा। सर अब आप इतनी बदतमीजी हाँ बोल रहे बोल हो रहा सर, हूँ, बोल रहा हूँ सर मैं, अभी तो आप मेरी आरबीआई तो बोल रहा क्यों हूँ बोलते हो सर, जब मैं। पढ़े लिखे नहीं हो, गंवार हो आप, अब जब तुझे आपने क्या अपनी लाइसेंस बहन, भी नहीं है, तुझे अपनी बहन आपने बयानी है लाइसेंस क्या, था ही नहीं तुझे सर, अपनी बहन पढ़े लिखे बयानी है, क्या वो बात पढ़ा कर लिखा रहे हो नहीं हूँ मेरे से, गवार सर हूँ, बात नहीं तुझे करते? अपनी बहन तो बयानी है क्या आप मेरे से, क्या दिक्कत है, तुझे फिर अपनी क्यों बहन, बोल रहे हो तुझे अपनी सर? बहन आप बयानी तो है, आपने ही तुझे बात नहीं अपनी करी बहन सर, बयानी है क्या, आप एक्स्ट्रा तुझे मत अपनी बोलिए बहन बयानी है सर, क्या, आप एक्स्ट्रा मत तुझे बोलिए, अपनी बहन बयानी है आप क्या, एक्स्ट्रा मत तुझे बोलिए अपनी सर, बहन बयानी है ये क्या, ज्यादा हो रहा है तुझे सर अपनी आपके बहन साथ बयानी है में। क्या, तुझे अच्छा अपनी सर बहन बयानी है, मैं पढ़ा लिखा हूँ से गंवार मेरी हूँ, बात चलनी है क्या? तुझे नहीं है, नहीं है नहीं है, बहुत खड़ा चलिए, होता। नहीं है अरे बीवी नहीं का है, नंबर मेरी बताओ, बीवी जान, मेरी जान नहीं का है, नंबर दो, बीवी बीवी का नंबर तेरा है तो नंबर लिख ले। का नंबर पता नहीं कहाँ से मिल रहा है। हेलो हाँ बिना खुराक लिए तुम मानते नहीं हो अच्छा तुम दोगे क्या, तुम है। दोगे क्या हाँ खुराक? हाँ अरे सर कितने, मेरा मतलब काम ही कितने यही है, बदतमीज हो सर आप, मेरा कितने काम बदतमीज ही हो यही सर है। आप, कैसी अरे बातें कर तुम रहे हो देखो, मैं अनपढ़ गंवार हूँ, तुम्हें अपनी बहन भी आनी है क्या, तुम पर्सनल क्यों हो जाते हो, सर? आप पर्सनल आप हो रहे हो सर, आप हो रहे आप हो, बोल रहे हो बहन भी आनी है, ये कर रहे हो, आप हो वो रहे कर हो, रहे मैं हो, नहीं अनपढ़ हूँ गंवार आप हूँ, मैंने कितनी क्या चीजें बोल रहे हो सुनो, सर, क्यों बोल रहे हो सर? सुनो मैंने क्या सोच रखा है, मुझे अरे डिफॉल्ट कॉल करना। रख दो, चलो तुमसे बात करना बेकार है, तुम्हारे ना दिमाग ही नहीं है, दिमाग हाय यूज करो हाय थोड़ा। ठीक है बेबी।